नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एलएलबी जो पास कर चुके हैं और एलएलबी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी या गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, इस बारे में एक जैक का इंटरव्यू बता रहा हूं। जैक क्या होता है? जैक का अर्थ है जज एंड एडवोकेट जनरल। हर साल ये परीक्षा डिफेंस सर्विस के रूप में निकलती है। अभी मैं इसमें आपको इस परीक्षा कैसे होती है, कहाँ ये एडवर्टाइजमेंट आता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कहाँ इसका इंटरव्यू होता है, कितने पद निकलते हैं, सारी बातें इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो कृपा करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। ये एलएलबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे 3 ईयर्स हो या 5 ईयर्स हो, जो अच्छा जिनका एकेडमिक कैरियर है, रिकॉर्ड है, 55% कम से कम इसमें मार्क्स रहते हैं, इसमें इंटरव्यू बेसिस पर केवल सिलेक्शन हो जाता है। अर्थात फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जो गुड एकेडमिक लॉ कैरियर रखते हैं उनके लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए। तो मैं अब आपको बतलाता हूँ इसमें क्या क्या खास बातें हैं। एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जैक की, जिसे जज एंड एडवोकेट जनरल बोला जाता है। ये डिफेंस सर्विसेज की पोस्ट होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष इसमें वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। 5 दिन इसमें इंटरव्यू चलता है, आधे से पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक का इसका इंटरव्यू रहता है जैक का। ज्वाइन indianarmy.nic.in इसकी एक वेबसाइट है जिस पर आप जाकर देख सकते हैं ये कब वैकेंसी आ रही है, कब तक फिलअप करना है, कहाँ इंटरव्यू होगा, सारा डिटेल उसमें आपको मिल जाएगा। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इंटरव्यू होता है और इसमें डिफेंस सर्विसेज में 2 तरह से इंटरव्यू लिया जाता है। एक तो 1-on-1 इंटरव्यू में और दूसरा कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, जिसमें 5 से 7 आदमी का बोर्ड रहता है जो आपको रीजनिंग, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, सभी तरह की चीजें, आप इसकी तैयारी ओवरऑल एलएलबी स्टूडेंट अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 से 10 हर साल करीब करीब निकलती है जज एंड एडवोकेट जनरल के लिए। कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, एलएलबी पास करने वाले वो स्टूडेंट 3 से 5 साल जिनका एकेडमिक कैरियर अच्छा है, जिन्हें एलएलबी पास कर ली है और जिनको करीब करीब 55% से ऊपर मार्क्स एलएलबी में उन्होंने सिक्योर किए हैं। दूसरा, इसमें 21 से 27 वर्ष के बीच के विद्यार्थी ही अपियर हो सकते हैं, चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड हों। दूसरा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया हों, नेपाल के हो सकते हैं, वर्मा के हो सकते हैं, युगांडा के हो सकते हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तथा अविवाहित हों, ऐसे लोग डिफेंस सर्विस के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद उसमें कॉल लेटर इश्यू करने के लिए मेरिट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, वही सब देखा जाता है, अनमेरिड है, दूसरा मेरिड है, ये सब चीजें, दूसरे सिटीजन ऑफ इंडिया का है कि नहीं है, 21 से 27 साल के बीच की आयु है, एकेडमिक कैरियर अच्छा है, तो जैक का इंटरव्यू एंट्री के लिए आपको कॉल लेटर मिलेगा। फर्स्ट क्लास वालों को प्रेफरेंस मिल जाता है। 14 वर्ष के लिए उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको सिलेक्शन मिलता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप बीच में उस ट्रेनिंग से लेकर उस जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। यदि टोटल इसमें 49 वीक्स की यानी 49 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग होगी जो ऑफिसर्स एकेडमी चेन्नई में होती है। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए बाद आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको 12,908 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो स्टाइपेंड दिया जाता है पर वीक के हिसाब से वो आपको जमा करना होगा। इसमें लेफ्टिनेंट पद, उसके बाद प्रमोशन होगा कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट, कर्नल आदि के पद पर आप प्रमोट हो सकते हैं। तो चार्मिंग जॉब है जिसमें शुरू में करीब 1,77,500 रुपये, 1,93,000 प्रमोशन के बाद कैप्टन के पद पर, और करीब करीब 2,07,000 रुपये के करीब आपको शानदार सैलरी, चार्मिंग सैलरी मिलेगी। रेपुटेड पोस्ट है डिफेंस सर्विस की। अदर अलाउंसेज अलग हैं, जो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस से लेकर सियाचिन अलाउंस आदि हैं। TADA भी मिलेगा आपको, TPDA भी मिलेगा, और करीब स्टाइपेंड इसमें ट्रेनिंग पीरियड में 56,100 रुपये आपको मिलेगा। तो इसमें जब भी नोटिफिकेशन निकलता है वैकेंसीज का, आप ऑनलाइन इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें मेंस या प्रीलिम्स जैसी कोई परीक्षा नहीं होती है। आप वेबसाइट पर जाकर, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया,
joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर निगाह रखिए, और जैसे ही आप एलएलबी की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त पास कर लेते हैं, 12th की मार्कशीट इसमें आपको लगेगी, एलएलबी की सारे ईयर्स की मार्कशीट लगेगी, और इसके सेंटर इलाहाबाद है, भोपाल है, बेंगलोर है, कपूरथला है, तो इनमें आप डिफेंस सर्विस की ये शानदार पोस्ट लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए तैयार रहें, और अपनी ट्रेनिंग ऑफिसर्स एकेडमी चेन्नई की जो 49 वीक की ट्रेनिंग होती है उसको देकर इस जैक के इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं, तो आपका कैरियर शानदार होगा, जीवन आपका अच्छे से, और लॉ जो आप कर रहे हैं वो आपका सही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में फलीभूत होगा, आपका कैरियर अच्छा हो, इस उद्देश्य से ये वीडियो मैंने बनाया है। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो स्टूडेंट अच्छे लगन से तैयारी करके बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जॉब के रूप में ये जैक का इंटरव्यू क्लियर करने की इच्छा रखते हैं वो हर साल इस वेबसाइट को लगातार देखते रहें, और जैसे ही ये वैकेंसी आती है आप उसको फॉर्म को फिलअप करें, इंटरव्यू दें। 5 दिन का ये इंटरव्यू होगा 1-to-1 और कॉन्फ्रेंस के रूप में। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपका परसेंटेज अच्छा है, 21 से 27 साल के बीच आपकी आयु है, एलएलबी पास हैं, और आप इंडिया के सिटीजन ऑफ इंडिया है, या बर्मा, नेपाल, युगांडा आदि के हैं, मैरिड अनमैरिड सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होकर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन का ये जॉब शानदार मिल सकता है, जिसमें अच्छी काफी सैलरी है, तो ये बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए मैंने बतलाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो एलएलबी स्टूडेंट्स को जो एलएलबी पास कर चुके हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा और इस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो अपने मित्रों, सहयोगियों, दोस्तों को अवश्य इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें अपने, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं अपने भारतवर्ष के सभी कानूनों पर सामान्य रूप से प्रकाश डाल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये कानून जानने चाहिए, चाहे वो विधि व्यवसाय से जुड़े हों ना जुड़े हों, क्योंकि कानून, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज जैसा कहा गया है, अर्थात कानून की अनभिज्ञता या कानून मालूम नहीं था ये बहाना बनाकर आप नहीं बच सकते हैं। अतः देश के कानून को जाने और इस चैनल से जुड़े रहें, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।